आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तो ये हैं आपके हस्बैंड, बड़े ही सड़ू किस्म के। मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और क्या कहूं, चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है, नो एक्सप्रेशन। मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे पति हैं और आप कुछ भी कह जा रहे हैं कब से? साथ निभाना साथिया। तो चलो मीरा, अपनी किताबें खोलो, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। जी। वेट, किसी ने कहा है कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए, और मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा भजन गाती हो, राइट? या तो ठीक है, सबसे पहले तुम ही मुझे भजन गाना सिखाओ। जी मास्टर जी। ओके ओके, चलो। राधे राधे रटते जाओ, राधे राधे रटते जाओ, कान्हा कोर जाओ, आओ रे थाल सजाओ, कान्हा की आरती गाओ। बहुत अच्छा गाती तुम तो। धन्यवाद। चलो मीरा, आज हम सीखेंगे हम कैसे अक्षरों से शब्द बनाते हैं। ओके, ऑलराइट। लगता है एमजी आ गए इतनी जल्दी, पर बाहर तो बारिश हो रही है, उनके पास छाता भी नहीं होगा। चुके हैं, देखिए ना, पूरी तरह से भीग गए हैं। बहन जी, ये आपने क्या किया? बारिश हो रही है, चलिए ऐसे भीगेंगे तो सर्दी लग जाएगी, अंदर चलिए। You're doing good, Meera. जी, आप क्या कर रहे हैं? देखो ना गोपी, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। रा जा। और कितने टाइम बाद हम दोनों साथ में हैं। जी, अंदर चलिए ना। नहीं गोपी, मन नहीं है।
मास्टर जी, ये कौन सा शब्द है? जादूगर, मजिशियन, यू नो। तुम पढ़ाई करो, मैं अभी आता हूं। ओके, यू कीप रीडिंग। यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाओ, सर्दी लग जाएगी बेटा। बहन जी चलिए अंदर, बच्चे देख रहे हैं। बहन जी हो क्या क्या है आपको? चलिए ना, बच्चे देख रहे हैं। चलिए आप रहिए, मैं जा रही हूं। बहन जी छोड़िए ना, बच्चे देख रहे हैं। बहन जी छोड़िए। गुस्सा करेंगे। सॉरी एमजी। बारिश में भीग कर आ रहे हो? और तोलू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? और तुम? तबीयत ठीक नहीं थी? राशिबेन, क्या हुआ है तोलू? बड़ी मामा मेरा कुछ नहीं गोपी, वो एक्चुअली इसके पेट में दर्द कर रहा था, इसीलिए। अब चलो सबसे पहले जाके कपड़े बदल। चलो मीठी, बच्चों के कपड़े निकाल दे। चलो अभी। गोपी आप तो पूरा भीग गई है। हाँ वो। वेट अ सेकंड, सबसे पहले अपना सर पोंछो। थैंक यू। क्योंकि मैं जानता हूं जब आपको सर्दी लग जाती है ना तो क्या हाल होता है आपका। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गोपी मुझे लगता है जब तक ये सावन का महीना बरसता रहेगा ना तुम भीगने से बाज नहीं आओगी, और फिर छींकने से। और मैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बोलता रहूंगा और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पूरा पूछ लो। यस। ये कौन है? ये मीरा के मास्टर जी। एंड नॉट टू फॉरगेट, मीरा के नए टीचर होने के साथ साथ गोपी का पुराना दोस्त। जी हम जी, ये अनुराग जोशी जी हैं। हम दोनों साथ में ही काम करते थे। मास्टर जी, ये मेरे पति हैं। ओह, तो ये हैं आपके हस्बैंड। बड़े ही सड़ू किस्म के। मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? और क्या कहूं,
चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है, नो एक्सप्रेशन। मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे पति हैं, और आप कुछ भी कहे जा रहे हैं कब से? गोपी 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 गोपी, प्लीज डोंट माइंड, मैं मजाक कर रहा था। वो गुजराती में क्या बोलते हैं, गम्मत कर तो हतो। नाइस टू मीट यू सर। Nice to meet you. गोपी, मैं ऊपर रूम में जा रहा हूँ, जाके चेंज कर। जी हेम जी, आप जाइए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। By the way, गोपी, आपकी हस्बैंड है हैंडसम, हाँ? Thank you. मैं बस अभी आई। कहीं आपकी इस जोड़ी को किसी की नजर ना लग जाए गोपी। मम्मी देखो, अगर आपने फिर से वो चाबी वाली बात पर मुझे टॉन्ट मारने के लिए फोन किया है तो प्लीज मुझे नहीं सुनना है। वो तो तुझे जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। अच्छा पहले ये बता, तू सवार थी मारो फोन के नौती उपाड़ दी। तुझे पता है मेरा मगज कितना घुमा हुआ है? एक तो किंजल ने मुझे सुना दिया, और तू है कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मम्मी वो मैं बिजी थी। हाँ हाँ पता है कितनी बिजी थी, मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कागड़ी और गोपी गवार दोनों ने तुझे काम पे लगा दिया होगा। अरे अगर वो काम करवाना भी चाहे तो मुझे करना तो चाहिए ना, मैं करूंगी ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले डिनर के टाइम पर मैंने सिर्फ और सिर्फ रोटियां बना ली और उसे कह दिया मुझे ऊपर अपना कमरा ठीक करना है, और तब से मैं ऊपर ही हूँ। अरे शाबाश, ये हुई ना मेरी दिकरी वाली बात। हाँ नहीं तो क्या। देखो आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, आपसे कल बात करूँ। जय श्री कृष्ण, बाय। मम्मी मम्मी हमें चॉकलेट चाहिए। अभी चॉकलेट नहीं मिलेगी, और आज दिन भर तुम्हारे ही दांत में दर्द हो रहा था ना, और अभी ठीक हो गया, फिर भी तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी। और वैसे भी रात को चॉकलेट खाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मम्मी दो ना प्लीज, मम्मी दो ना चॉकलेट प्लीज, दो ना प्लीज, नहीं मिलेगी। ठीक है आप हमें चॉकलेट नहीं दूंगी ना तो मैं सबको जाकर बताऊंगा कि मेरे दांत में दर्द हो रहा था। ए क्या कहा? देखो खबरदार जो घर में किसी को कुछ बताया तो प्रॉमिस करो कि किसी को कुछ नहीं बताओगे। राशि क्या प्रॉमिस करवा रही हो बच्चों से? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।